हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाने में। तो डियर फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज के पेपर SGVNL के बारे में। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा पेपर दिए होंगे और जो पेपर का पैटर्न है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। पेपर का पैटर्न क्या था कि 70 टेक और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। 30 क्वेश्चन में आप सभी के नॉन टेक में 10 क्वेश्चन GK GS के थे, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के थे और 10 क्वेश्चन में इंग्लिश के और 2-3 क्वेश्चन हिंदी के इंक्लूड थे। तो बात कर लें GK GS के ऊपर, जो 10 क्वेश्चन के GK GS के क्वेश्चन थे वहाँ पे स्टैटिक GK GS ना पूछ करके करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दिया था। अप्रॉक्सीमेट 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप सभी के करंट अफेयर्स के ही थे। और आगे जो मैथ के पेपर आप सभी के थे, मैथ का जो लेवल था मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। रीजनिंग भी सही थी, मॉडरेट थी, करने लायक थी। और जो हार्ड था इसमें, इस पेपर में पूरे सबसे जो हार्ड था वो इंग्लिश पैटर्न था। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन थे अपने आप में हार्ड थे और हार्ड होते भी इसलिए क्योंकि आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं हैं। तो ये रहे नॉन टेक के पेपर। और बची टेक्निकल के पेपर जो 70 क्वेश्चन थे, वहाँ पे कहा जाए तो एक प्रकार से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मतलब हार्ड नहीं कह सकते हैं पेपर को। और जो क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे टेक्निकल में, तो वो पावर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल में। और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, मशीन के भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बेसिक के थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट आया था जैसे कि कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। कुछ फ्यूज से क्वेश्चन आए थे, यूटिलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन आया था जैसे कि पावर एफिशिएंसी और ल्यूमेन में संबंध से, मतलब रिलेशन से क्वेश्चन आया था। उसका यूनिट से आया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कैंडला होता है। तो 2-4-5 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के, उसके आए थे। जैसे कि MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर्स क्वेश्चन आया था जिसका कि फार्मूला होता है टोटल ल्यूमेन अपॉन 4π, ठीक है। और आपके कुछ क्वेश्चन ट्रैक्शन से भी थे, 2-4 क्वेश्चन जैसे कि पेंटाग्राफ से था। और हीटिंग से क्वेश्चन थी, हीटिंग में जैसे माइक्रोवेव इंडक्शन हीटिंग जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है। और मेजरमेंट में जो क्वेश्चन था वो था कि इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट जो आप सभी का इंटीग्रेटेड एनर्जी मीटर होता है वो कितने एम्पियर के करंट को सह सकता है, या फिर कितने एम्पियर के करंट के लिए रेटेड होता है। तो उसका आंसर जो था उसका 100 एम्पियर था। और मशीन में जो क्वेश्चन था बैक EMF से क्वेश्चन था, और बैक EMF के साथ साथ आप सभी का मशीन में टॉर्क से क्वेश्चन था। टॉर्क में कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि स्पीड दे रखी थी, बैक EMF की वैल्यू दे रखी थी, आर्मेचर करंट दे रखा था और आप सभी को टॉर्क की वैल्यू निकालनी थी। तो उसकी जो आंसर आया था वो 62 कुछ समथिंग आया था, ठीक है। और मशीन के ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आए थे, ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया था। आप सभी को कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर निकालना था, जहाँ पे आपको सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज दे रखी थी, तो आपको K की वैल्यू निकालना था और डायरेक्ट K का मल्टीप्लिकेशन वो जितना रेटेड पावर दिया था वहाँ पे कर देना था। तो इसका समथिंग 15 एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, शायद 30 किलोवाट था और उसमें K की मल्टीप्लिकेशन करने पर 15 किलोवाट ऐसे समथिंग आ रहा था आंसर। बाकी पावर सिस्टम के पावर प्लांट से कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है, तो उसमें जिरकोनियम जो आंसर था वो कोयले का प्रकार नहीं होता है। बाकी आप सभी का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आया था कि 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और उसमें उसके स्लिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो डियर फ्रेंड्स, यही आज के टेक्निकल के क्वेश्चन थे। बाकी नॉन टेक में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि इंदौर सिटी में स्वच्छता के हिसाब से 7 रेटिंग किस सिटी को प्राप्त है, हाल ही में इंदौर था उसका आंसर। और प्रेजेंट टाइम इंडिया के महान न्यायवादी
सॉरी महान न्यायाधीश कौन है, तो समथिंग इसका जो आंसर था एग्जैक्ट वो आर वेंकट रमणी करके था कुछ।